हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी कैट कैम। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे स्केच ड्रिवन पैटर्न, यानी कि जो स्केच ड्रिवन पैटर्न है, यानी कि एक स्केच के तौर पर या कोई पॉइंटो के तौर पर अगर हमें कोई चीज़ पैटर्न करानी हो तो किस तरीके से हम कराएंगे, वो इस लेक्चर में हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो था कर्व का पैटर्न, और आज देखेंगे स्केच का। तो ये मैंने वीडियो जो ये बोर्ड है, मैं इस पे एक स्केच बना लेता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए ओके, और एक स्केच बना ली। एक मैं मान लो कोई भी बॉडी बना लेता हूँ, यहाँ पे इस कॉर्नर पे मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल छोटा सा बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक ओके, और इसको कर देता हूँ एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड कट कर दिया, ठीक है, और ओके, ये मेरा हो गया एक्सट्रूड कट। अब मैं चाहता हूँ इस स्केच पे जो है एक स्केच बना दूँ। आपने ये पॉइंट वाला देखा था, ये स्केच आप पॉइंट, यानी कि पॉइंट अगर आपको कहीं देने हो तो इस तरीके से यहाँ से आप ले सकते थे। ये पॉइंट मान लो यहाँ मैंने दे दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ दे दिया, एक यहाँ पे कॉर्नर पे दे दिया। अगर आप चाहते हो कि ऐसे पॉइंट जो दिए हैं इन पॉइंट पे ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ पैटर्न हो जाए, तो हम जो है स्केच ड्रिवन पैटर्न का यूज करते हैं। ये बहुत कमाल की चीज़ है, यानी कि कोई भी चीज़ कहीं भी हम करा सकते हैं इजीली। तो आप देखेंगे, अब हम जाएंगे इसमें ओके, इससे एग्जिट हो जाएंगे, ठीक। एग्जिट होने के बाद जैसे ही हम जाएंगे इस पर ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे स्केच ड्रिवन पैटर्न। ये ऑटोमेटिक इसने जो है ये स्केच जो है ये सेलेक्ट कर लिए। आप यहाँ से भी इसे जो है कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, स्केच पॉइंट एट दिखा रहा। अब जो है यहाँ से बॉडी फीचर टू बॉडी जो आपको करनी है, तो कौन सी बॉडी करनी है, मान लीजिए मुझे ये सर्कल रेक्टेंगल करना है, ठीक है। ये एक्सट्रूड कट एक रेक्टेंगल मैंने कर लिया, ठीक है। अब जैसे ये रेक्टेंगल करेंगे तब सिलेक्टेड पॉइंट पर, यानी कि इसके जो हो जाएगा सेंट्रोइड पे सिलेक्टेड पॉइंट पर रेफरेंस दिखाएगा। तो अभी मैं इसको एक बार पूरा ये सिलेक्ट हो चुका ओके। ये द नीड पैटर्न टू पॉइंट टू बी डिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका अगर मैं यहाँ पे करूँ, देखिए ये सेंट्रोइड है, उसमें सेंटर के लिए मांग रहा था, सिलेक्टेड पॉइंट मैंने कर रखा था। तो अगर जैसे ये सेंटर पे करेंगे तो ये देखिए आपके ये जो है बन जाएंगे इस तरीके से। ये आप बन बन चुका है हमारा। ये इस तरीके से जो है स्केच ड्रिबिन का आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा और कमाल का फीचर है, ये इस तरीके से आप देखिए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। और इस तरीके से जो भी हम चीज़ें आपको बना के दिखाते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और ट्यूटोरियल अच्छे लगे तो प्लीज़ हमें लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसे लगा है, और आपको इस तरीके के ट्यूटोरियल किस कैसे लगते हैं। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इसको कलर भी इस तरीके से दे सकते हैं, अगर पॉइंट इसके हाइड करना चाहें तो पॉइंट हाइड भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट भी हाइड हो गए, अब आप देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।